एक्सप्रेसवे से आप याद कीजिए 5 साल पहले अखिलेश यादव को भी थी, क्या कहेंगे? जी, ये तीनों एक्सप्रेसवे में मैं चल चुका हूं और क्योंकि यूपी में बार बार जा रहा हूं आजकल, तो जाहिर सी बात है कि जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे है, इस पे अक्सर चलना हो रहा है, महीने में 2-3 बार चलना हो रहा है। शनिवार को मुझे लखनऊ से आजमगढ़ जाना था और उस दिन अमित शाह भी आजमगढ़ में थे, तो हम सुबह 5 बजे लखनऊ से जब निकले तो हम लोगों ने सोचा है कि एक्सप्रेस वे पे अगर कोई बैरिकेड वगैरह ना लगे हों, हालांकि अभी उसका विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ था, तो हम लोगों को ने कहा कि चलते हैं देखते हैं। तो करीब 100 किलोमीटर तक हम चले गए उसमें। जब पहुंचे आजमगढ़ के करीब 30-40 किलोमीटर पहले ही वहाँ बैरिकेड लगे हुए थे, वहाँ से हमने यू टर्न लिया। देखिए, ये अब क्योंकि वो अभी पूरा काम नहीं हुआ है, उसमें टोल वगैरह अभी ब्रिज बन रहे थे, और अब अगर तुलना करना ठीक भी नहीं होगा क्योंकि अभी उसमें बहुत काम अधूरा दिखाई दे रहा था, लेकिन एक जो चीज़ है जो रिपेयर नहीं हो सकती शायद जल्दी, क्योंकि मैं तीनों एक्सप्रेसवे में चला हूँ और इस तीसरे में भी चला शनिवार को, इसमें गाड़ी में वाइब्रेशन काफ़ी है, जो कि आपकी गाड़ी काफ़ी स्मूथ 100 की रफ्तार के आसपास जो वहाँ पे परमिटेड है उस पे चलती है गाड़ी, यमुना एक्सप्रेसवे पे या आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे में। अब दूसरा एक और मामला है, वो है उसकी कीमत का और समय का, जिसके दावे किए जा रहे हैं। और आप अगर ये देखिए कि मैं मोटा मोटा आपको बताऊं कि ये जो एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 340 किलोमीटर है और इसकी ये 6 लेन का है। इसकी कीमत आई है, ये लैंड के अलावा कीमत है, 22,500 करोड़ रुपए, यानी कॉस्ट पर लेन, जो एक लेन की कॉस्ट है वो 11 करोड़ रुपए आई है पर किलोमीटर पर लेन। 36 महीने इसको लगे हैं, यानी 3 साल लगे हैं। अब आगरा एक्सप्रेसवे को अगर हम देखें तो उसमें खर्च हुए 13,000 करोड़ रुपए, यानी काफ़ी मतलब कम उससे, और 8 लेन है ये, उसमें कीमत आई 5.5 करोड़ रुपए पर लेन पर किलोमीटर, 18 महीने लगे, यानी लगभग दुगना टाइम इसमें लगा और लगभग दुगना पैसा भी लगा है। अगर आप 8 लेन और 6 लेन का फर्क देखेंगे तो लगभग दुगना पैसा लगा है इसमें। अब 3 साल के अंदर 5.5 करोड़ से 11 करोड़, दुगना कीमत हो जाए पर लेन पर किलोमीटर की, तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो ये दावों के पीछे थोड़ी सी हकीकत भी है, और वो हकीकत बहुत अच्छी नहीं है। मान लीजिए कि वाइब्रेशन और तमाम सुविधाएं तो आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि रिपेयर कर दें ये लोग, लेकिन जो आपने 5.5 किलोमीटर पर लेन की कीमत और 11 करोड़ पर लेन पर किलोमीटर की कीमत, दुगना फर्क है 3 साल के अंदर, तो 3 साल में दुगनी कीमतें हो गई सब चीज की। तो ये दूसरी चीज है कि देखिए, एक्सप्रेसवे तीनों ने बनाए, मायावती ने बनाए, मायावती शासन काल में उनकी हट गई, तब अखिलेश के समय वो पूरा हुआ, लेकिन सारा कुछ मायावती के समय ही हो गया था, यमुना एक्सप्रेसवे का, ताज एक्सप्रेसवे का। उसके बाद ये बना, अखिलेश के समय में कमीशन हुआ, उनके समय ही कंप्लीट हुआ, और अभी तीसरा है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ी नई चीज उन्होंने कर दी है, ये प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसका एक्सटेंशन होना ही था। और जहाँ तक वो इवेंट मैनेजमेंट की बात है, तो जी एयरफोर्स के हवाई जहाज बाकी दोनों एक्सप्रेसवे में भी उतरे थे, तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा अजूबा उन्होंने दे दिया, एक प्रोजेक्ट है और उसका एक्सटेंशन है। कीमत जरूर दुगनी है और ये टैक्स पेयर के पैसे से कीमत गई है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सवाल आपसे ही करना और चाहूंगा,
कि आप लगातार उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और बता भी रहे हैं, जैसे और तीनों एक्सप्रेसवे की तुलना भी हम अभी कर रहे हैं कि 3 साल में डबल, और यहाँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है वो 8 लेन का है और ये एक्सप्रेसवे हम देख रहे हैं कि 6 लेन का और डबल पैसा खर्च हुआ है ऑलमोस्ट, और 36 महीने यानी 3 साल में बनाने का रिकॉर्ड जो है वो सामने दिखाया जा रहा है। विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। बीजेपी अपने अलग अलग परियोजनाओं को, चाहे वो फसल वो बीज कोई भी बोआ हो, लेकिन काटने का वक्त अभी बीजेपी के हाथ में है तो बीजेपी उस फसल को काट रही है, लेकिन साथ साथ राम मंदिर भी सामने है। आप घूम रहे हैं प्रशांत जी, तो मुख्य मुद्दा क्या ये विकास, राम मंदिर दिखाई दे रहा है या महंगाई, बेरोजगारी या कोरोना काल, ये सब भी लोग बात करते हैं? देखिए, मैं काफ़ी यात्राएं मैंने इस बार जब मैं उत्तर प्रदेश गया तो काफ़ी एक शहर से दूसरे शहर, यानी लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से रायबरेली, सुल्तानपुर, इन इलाकों में मैं रोडवेज की बस से चला और रास्ते में लोगों से बात करता हुआ चला। तो जो 2-3 बातें हैं, देखिए, जो हैं समझनी चाहिए हमको और ख़ासकर बीजेपी को। एक तो योगी बहुत अनपॉपुलर हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत नुकसान बीजेपी को अगर होने जा रहा है तो योगी की वजह से होने जा रहा है, खासकर युवाओं के बीच वो बहुत अनपॉपुलर है। दूसरी की बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं के बीच में, लोग बहुत भद्दी भाषा में इनके बारे में बात कर रहे हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई हर वर्ग में बड़ा मुद्दा है, आप चाहे शहरों में बात करें चाहे गांवों में बात करें, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, अगर उसकी आप पड़ताल करें तो जो जातिगत इक्वेशंस हैं, जो बीजेपी ने 2017 में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अचीव किया था, उसको योगी जी ने छिन्न भिन्न कर दिया है। तो उन पॉकेट से बीजेपी को अब सपोर्ट नहीं आ रहा है जहां से इनको पिछली बार वोट मिल गए थे बड़े पैमाने पर। तो ये 3-4 मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और खासकर यूथ और फर्स्ट टाइम वोटर वो बहुत नाराज है योगी से बेरोजगारी को लेकर। राजीव जी, जी 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 बिल्कुल, यूथ और फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो बहुत नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, जबकि युवाओं को जोड़ करके, अमलेंदु जी, युवाओं को जोड़ करके बीजेपी जो है वो 2014 से लेकर के 2019 और 2022 इससे पहले के चुनावों में भी लगातार कोशिश करती रही, पूर्वांचल पर ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है बीजेपी का, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 167 सीटों में से 117 सीटें बीजेपी पिछली दफ़ा जीत कर आई थी, और उसका सहयोगी जो है, उसका सहयोगी दल जो उनके हैं वो 13 सीटें जीते थे, जिसमें अपना दल है और सुहेलदेव जो सुभासपा है वो, ये मिलकर के तो 130 सीटें, 167 में से 130 सीटें बीजेपी के खाते में, जिस पूर्वांचल से हो, उस पूर्वांचल में अब ये कहा जा रहा है कि सेंधमारी जमकर की है अखिलेश यादव की पार्टी ने, और यहीं से एक डर बन गया है बीजेपी को कि कहीं इस बार हमारा यहां से काम तमाम ना हो जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम तमाम करने के लिए किसान बैठे ही हैं, जिनकी अभी तक कोई सुध नहीं ले रही है बीजेपी। क्या लगता है इस आज के एक्सप्रेसवे से, इस झांकी से बीजेपी को फायदा होगा क्या? पहली बात,